हेलो फ्रेंड्स, प्रबल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं राजदीप, आपका फिजिक्स सर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रोमो वीडियो में आपसे बात की थी कि हम लोग CBSE बोर्ड के 12th क्लास का टारगेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अब तक तो जो आपने पढ़ा उसकी बात हम छोड़ते हैं। अभी आपके पास में जैसा कि आपका डेट भी आ गया है कि 4th मई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो अब तक जो आपने पढ़ा उसको ध्यान में रखते हुए हम इन 3 महीने में जो भी कुछ हो सकता है आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखकर कम से कम कुछ ना कुछ तो नॉलेज आपको मिल ही जाएगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और आप बेहतर से बेहतर कर सकेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि एक बार आप वीडियो को देखिए, समझिए, फिर हमें बताइए कि हाँ सर कुछ नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं। एक बार देखने का प्रयास कीजिए और फिर आप समझिए कि कहना क्या चाहते हैं हम। हम एक्चुअली जो लेके चलेंगे आपके बोर्ड को मद्देनज़र रखते हुए पूरे टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग। तो बात हम इस चीज़ की करेंगे कि आपका सिलेबस है फिजिक्स का, 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकेंड, और इस बार आपका 30% सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है। तो उनको ख़त्म करने के लिए, उन सब को ख़त्म करते हुए जो 30% सिलेबस आपके रिड्यूस हुए हैं उनको ना पढ़ते हुए हम अभी बोर्ड की मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले वॉल्यूम फर्स्ट बुक को लेकर चलते हैं। वॉल्यूम फर्स्ट बुक का आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से हम छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि जो बोर्ड में आए और उससे आप नंबर अच्छा गेन कर सकें। तो फर्स्ट आपका टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है इसके बारे में हम आपको आज बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसा कि हम कहते हैं कि साइंस इज द वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस एक पूरी की पूरी वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है जो आपको देती है। साइंस के कई ब्रांचेज हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो उसमें से जो फिजिक्स है वो क्या है, तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। फिजिक्स में हम अपने चारों तरफ की जितनी भी चीज़ें हैं जो नेचर में अवेलेबल है उन सब की स्टडी करते हैं और उनके लॉज के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स के अंतर्गत। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है, यानी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्जेस, प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक चार्जेस। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग जो हमारा चार्ज है उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। अब चार्ज की 2 प्रॉपर्टी होती है, एक तो जब चार्ज रेस्ट में होगा और एक जब चार्ज मोशन में होगा। जब चार्ज रेस्ट में होगा उसकी स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे, और जब चार्ज मोशन में होगा तो उसके कितने इफेक्ट्स हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये जब चार्ज मोशन में होता है उस समय ये प्रॉपर्टी आपके सामने आती है। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी जब आपका चार्ज रेस्ट में हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ द स्टैटिक चार्ज। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ द स्टैटिक चार्ज। जब चार्ज अब आपका रेस्ट में होगा उस समय उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करेंगे। अब आपको बता दें कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो 2 चीज़ों से ही बना हुआ है, एक मैटर और दूसरा रेडिएशन। यानी कि ये जो पूरा आपका कॉस्मस है, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये 2 ही चीज़ों से बना हुआ है, एक आपका होता है मैटर और दूसरा होता है आपका रेडिएशन। मैटर और रेडिएशन, और इन दोनों की वजह से हमेशा वर्क डन होता है, काम होता है।
इन्हीं के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं भाई ये फिजिक्स है, यानी इनके लॉज और इनके नेचर में जो ये चीज़ें अपना इफेक्ट डालती हैं, इनके लॉज को पढ़ना ही आपका फिजिक्स कहलाता है। तो मैटर, जब आप किसी गोली को, आपने देखा होगा कोई गोली जब बंदूक से निकलती है तो उसके पास में मास होता है, और जब वो मूव कर रही है, चल रही है, दैट मीन्स उसके पास में वेलोसिटी है, यानी कि उसके पास में काइनेटिक एनर्जी है, और अगर उसके पास में काइनेटिक एनर्जी है जब वो किसी ऑब्जेक्ट से हिट करेगी तो उसको गर्म करती है, यानी उसने क्या किया, वर्क डन किया। किसकी वजह से? मैटर की वजह से, अपने मास की प्रॉपर्टी की वजह से। बात करते हैं रेडिएशन की, तो अगर आपने एक लेजर लाइट जलाई, जब लेजर लाइट जलाई तो वहां से रेडिएशन निकले, और वो रेडिएशन जब इस किसी ऑब्जेक्ट को हिट करेंगे तो वो भी गर्म करते हैं, दैट इज वो भी वर्क डन करते हैं। तो वर्क डन दोनों की वजह से हो रहा है, मैटर की वजह से और रेडिएशन की वजह से, दोनों की वजह से वर्क डन हो रहा है, लेकिन दोनों की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है। हम बात करते हैं मैटर की, तो मैटर क्या करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को हिट करता है तो उस पर फोर्स लगाता है, और फोर्स लगा के थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट मीन्स वहां पे वर्क डन हुआ। तो मैटर अपने मास की प्रॉपर्टी की वजह से वहां पर वर्क डन कर रहा है। मैटर के पास में और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आपने क्लास 11th में चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े हुए थे, ठीक है। वैसे फोर्सेस तो बहुत तरह के हैं नेचर में, फ्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, हीट एनर्जी, आपके कई तरह के फोर्सेस हैं। तो बात करते हैं कि इन सारे फोर्सेस को हम यूनिफिकेशन करते हैं, आपने फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ा होगा 11th में यूनिफिकेशन, यानी जितनी भी चीज़ें हैं उनको कम से कम वे में हमें पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। तो फोर्स तो कई तरह के हैं, अगर सबको पढ़ने बैठ जाएंगे तो हमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने क्या किया, उन सबको यूनिफाई किया, और यूनिफाई करके एक फोर्स बनाने की कोशिश की, लेकिन एक फोर्स हमारा बना नहीं, दैट्स वाई चार फंडामेंटल फोर्सेस बने हमारे पास में। वो चार फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। जिसमें से वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, ये तो आपका न्यूक्लियाई का पार्ट है, दैट इज न्यूक्लियस का फोर्स है, जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों आपके मैक्रोस्कोपिक फोर्स हैं जो कि काफ़ी बड़े होते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास में मास है तो उन दोनों के बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और ये अट्रैक्शन फोर्स, अगर इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है तो उन दोनों के बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। हमारे न्यूटन साहब ने इस चीज़ को बता दिया था न्यूटन की ग्रेविटेशन लॉज में। तो ये जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स आया, ये किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर के मास की वजह से आ रहा है, यानी मैटर के मास की प्रॉपर्टी है। बात करते हैं कि मैटर के मास की वजह से तो ये प्रॉपर्टी आ गई फोर्स की। हमने एक दूसरा फोर्स आपको बताया, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? तो हमने कहा कि बचपन में आप लोगों ने बहुत से खेल खेले होंगे, एक खेल आपने स्केल वाला भी खेला होगा, कि स्केल को सर से रगड़ते थे और कागज को फाड़ के चिपकाते थे, तो स्केल कागज को अटैक कर लेता था और कागज स्केल में चिपक जाता था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्केल तो आपका मास है, स्केल के पास मास है, कागज के पास भी मास है, और अर्थ के पास भी मास है, तो जिसके पास ज़्यादा मास होता है वो छोटी वाली चीज़ को, छोटे वाले मास को अपनी तरफ अटैक करता है। तो जो आपने स्केल लिया, अर्थ का अपना मास है, कागज जब स्केल पर चिपकता है तो यहाँ पर आपका छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके चिपक जाते हैं, तो अर्थ उसको अपनी तरफ अटैक क्यों नहीं करता, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, वो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, लेकिन ये कागज नीचे जमीन में क्यों नहीं गिरता है, वाई, जबकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है और उस कागज का मास बहुत छोटा है, बहुत कम है, तो कागज को जमीन में गिरना चाहिए लेकिन गिरता क्यों नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है। तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी, एक और फोर्स का नाम सामने आया, दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से ये कागज जमीन पर नहीं गिर रहा है। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स कौन सा फोर्स है और ये कैसे आता है, तो इसी के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करेंगे। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स और क्या है, क्या इलेक्ट्रिकल फोर्स आपने बहुत जगह पे देखा होगा, जब आपके टीचर व्हाइट बोर्ड पर चाक से लिखते हैं तो चाक का पार्टिकल बोर्ड पे चिपक जाता है, जबकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, अर्थ उस चाक के पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन वो चाक का पार्टिकल नीचे क्यों नहीं गिरता है, गिरना चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स। क्लाउड, नेचर में आपने देखा होगा क्लाउड, बादल जब एक दूसरे से गेट टुगेदर करते हैं तो वहां पर भी आपकी स्पार्क होती है,
दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स। आप जब कपड़े पहनते हैं तो कपड़ा आपकी बॉडी से चिपक जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स। जब कोई एक कागज लेते हैं, दूसरे कागज को गोंद से उस पर चिपका देते हैं तो वो कागज नीचे वाला नहीं गिरता है, क्यों? जबकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल फोर्स। इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है। तो डेली लाइफ में आप बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल फोर्स के देखे हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है क्या? ये एक फंडामेंटल फोर्स है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने आपको बताया कि हमारे पास में चार तरह के फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, ये आपका न्यूक्लियस का पार्ट, हम उसमें डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स हम आगे 11th में पढ़ चुके हैं, आपका जो यहाँ पे पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आया कहाँ से? हमने कहा कि जब आप एक बार पहली बार नया नया स्केल लाते हो और कागज से चिपकाते हो तो कागज पे नहीं चिपकता, लेकिन जब उसको आप सर से रगड़ते हो और चिपकाते हो तब वो चिपकता है, क्यों? एक बार उसने फोर्स लगाया, एक बार उसने फोर्स नहीं लगाया, यानी एक बार फोर्स लगा के तो उसने चिपका लिया और एक बार फोर्स लगा के नहीं चिपकाया, ऐसा क्या? यानी कभी कभी वो फोर्स लगाता है, कभी कभी फोर्स नहीं लगाता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? तो हमने कहा कि इस दुनिया में, यानी इस यूनिवर्स में दो तरह की बॉडी है, दो तरह की बॉडी इन द सेंस, एक बॉडी आपकी जो फोर्स नहीं लगाती है, दैट इज अनचार्ज बॉडी, और एक बॉडी जो फोर्स लगा के कागज को चिपका लेती है, दैट इज चार्ज बॉडी। तो दो तरह की बॉडी, यानी दो तरह के फोर्सेस, आप दो तरह की बॉडी आपके पास में है, एक अनचार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी। तो ये अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम देखते हैं कि अगर आपका कोई एक, जैसे सपोज दैट आपने कोई स्केल ले लिया, वो स्केल किससे मिलकर बना हुआ है? उसके पास मास है, दैट इज मैटर। वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, पार्टिकल छोटे छोटे आइटम से मिलकर बने हुए, आइटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो हमने कहा हम उसका एक आइटम निकाल के और उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि है क्या, यानी स्केल का आप एक छोटा सा आइटम निकाल के उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, टू एट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा होगा, एंड थ्री, टू एट थ्री, ये किसका है? दैट इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, के एल एम 283, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दी एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम का एक आइटम हमने निकाल लिया और यहाँ पर रख दिया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहीं से आपको अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी की एग्जैक्ट डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। अब ये आपकी एल्यूमिनियम की स्केल का एक आइटम है, अभी आप अगर इसको कागज़ से चिपकाओगे तो ये कागज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, कागज को नहीं चिपकाएगा। क्यों नहीं चिपकाएगा? क्योंकि अभी ये बॉडी हमारी अनचार्ज बॉडी है, ये बॉडी चार्ज नहीं है, ये कागज पर एक अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगाएगा, दैट्स वाई कागज इस स्केल से नहीं चिपकेगा, यानी दैट बॉडी अभी एक ऐसी है अनचार्ज बॉडी है, इस बॉडी पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो चार्ज कैसे होगा? तो आप क्या करते हो जब कागज से आपको चिपकाना होता, तो उसके पहले आप स्केल को सर से रगड़ते हो, सर से रगड़ते हो, तो आप क्या करते हो? सर से रगड़ने का मतलब कि जैसे ही आप उसको सर से रगड़ते हो, तो जब दो चीज़ें, दो बॉडी आपस में रगड़ती हैं, तो उससे क्या क्रिएट होता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से क्या क्रिएट होता है? हीट। और हीट क्या है? हीट इज़ द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। तो उससे आपने उस बॉडी को हीट दिया, यानी एनर्जी दी, और अगर उसको एनर्जी मिली तो वो एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी एनर्जी लेके अपने अपने क्लास में, अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहा होता है। अब हर एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने क्लास में एनर्जी लेके घूम रहा है, हमने कहा कि किसके पास एनर्जी ज़्यादा है,
न्यूक्लियस के पास है उस इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी ज़्यादा है, जो न्यूक्लियस से दूर है उसके पास में एनर्जी ज़्यादा है। तो आपको पता है कि ड्यू टू द डिस्टेंस इसके पास में एनर्जी ज़्यादा होगी और इसके पास में एनर्जी कम होगी। अब हमने कहा लेट सपोज दैट हम एनर्जी को अंज्यूम कर लेते हैं कि किसके पास में कितनी एनर्जी। हमने कहा इसके पास में लेट सपोज दैट एनर्जी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। और ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके अपनी क्लास में घूम रहा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके अपनी क्लास में घूम रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके अपनी क्लास में घूम रहा है। अच्छा, जब आपने सर से रगड़ा तो आपने इसको क्या दिया? एनर्जी दिया ड्यू टू द फ्रैक्शन, ड्यू टू द हीट। जब आपने इसको एनर्जी दिया तो सबसे पहले जब आपने इसको थोड़ा सा रगड़ा और फिर कागज को चिपकाया तो देखा नहीं चिपका, क्यों? क्योंकि आपने इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी थी, दैट्स वाई कागज इससे नहीं चिपका। आपने क्या किया, फिर और सर से रगड़ा उसको, और फिर सर से रगड़ा तो आपने उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, और जब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी फिर से चिपकाया, देख रहे हैं अभी भी नहीं चिपक रहा है। आपने उसको फिर सर से रगड़ा और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस बार उसको मिल गई, और अगर उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल गई तो ये अब अपनी एनर्जी को पा लिया, यानी जिसको जितना चाहिए था उसको उतना मिल गया। इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए था, इसको मिल गया। जैसे अगर आपको 100 रुपये की ज़रूरत है और आपके पापा अभी घर पे नहीं हैं, तो आपको 100 रुपये की ज़रूरत है, आप अपने घर में बैठे हुए हो, यानी अपने ऑर्बिट में बैठे हुए हो। आपके फादर आए, आपने फादर से कहा मुझे 100 रुपीज़ चाहिए, तो आपके फादर ने 100 रुपीज़ आपको दे दिया, दैट इज़ एक्सटर्नल एनर्जी, जो आपने सर से रगड़ा वो एनर्जी। तो जैसे ही आपको 100 एनर्जी मिली, यानी 100 रुपया मिला, दैट इज़ आपको वो पैसे मिले, और जैसे ही आपको पैसा मिलेगा आपको उस पैसे का जो काम होगा, तुरंत अपने क्लास को अपने घर को छोड़ के आप बाहर चला जाओगे और जो आपको करना होगा वो आप करोगे। पिज्जा खाना हो पिज्जा खाओ, समोसा खाना हो समोसा खाओ, या कुछ काम करना हो, कॉपी किताब खरीदनी हो, पेन खरीदना हो तो वो करो। यानी कि जब आपको आपकी रिक्वायर्ड एनर्जी मिल गई तो अपनी रिक्वायर्ड एनर्जी लेकर आप अपनी क्लास से बाहर चले गए, अपने घर से बाहर चले गए। तो वैसे ही इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की ज़रूरत है, और अगर इसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और आप अगर एक्सटर्नल एनर्जी से इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे तो ये अपनी क्लास को छोड़ के वह भी बाहर चला जाएगा, अपने घर को छोड़ के भी बाहर चला जाएगा। तो जब ये अपनी क्लास को छोड़ के बाहर जाएगा तो बाहर कौन गया? इलेक्ट्रॉन गया, निगेटिव चार्ज गया। इसके पास क्या है? निगेटिव चार्ज। जब इसके पास में निगेटिव चार्ज है तो इसके पास क्या बचा? पॉजिटिवली चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर चला गया, अब ये फ्री है, ये कहीं भी जा सकता है, दैट्स वाई इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, और यही वो इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, करंट फ्लो होता है, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी में ध्यान देना, आगे भी आगे पढ़ाएंगे आपको। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज बचा। तो हमने क्या कहा, पहले ये बॉडी कैसी थी? अनचार्ज बॉडी थी। अभी ये बॉडी कैसी हो गई? पॉजिटिवली चार्ज। तो अब ये बॉडी कैसी हो गई? पॉजिटिवली चार्ज। हमारी अब ये बॉडी कैसी हो गई? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अच्छा, अब जब ये बॉडी चार्ज हो गई तो इसके पास में प्रॉपर्टी कौन कौन सी आई? तो हमने कहा कि अब ये प्रॉपर्टी, जब आपने ये चार्ज हो गया, अब आप कागज को इसके सामने रखोगे तो कागज का पार्टिकल इस स्केल को, स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब कागज का पार्टिकल इसकी तरफ अटैक्ट हो रहा है, यानी कि जब ये चार्ज हो गया तो इसके पास में एक प्रॉपर्टी आई, वो भी अट्रैक्ट करने की या रिपल करने की, अभी आगे देखेंगे, रिपल करने की प्रॉपर्टी आई। तो इसके पास में प्रॉपर्टी आई, दैट इज फोर्स की प्रॉपर्टी। ये फोर्स लगाएगा, वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये पार्टिकल यानी ये बॉडी अब फोर्स लगाएगा। अब इस स्केल में सिर्फ एक ही आइटम तो थे नहीं, बहुत ढेर सारे आइटम थे, तो वो सारे आइटम आपके पॉजिटिवली चार्ज हो गए, यानी कि वो पूरी की पूरी स्केल कैसे चार्ज हो गई? पॉजिटिवली चार्ज, और वो अब एक फोर्स लगा सकता है। तो यहाँ से आपको अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी पता चलता है। अब आपकी जो चार्ज और अनचार्ज बॉडी है, तो यहाँ से आपको दो चीज़ें पता चली,
एक पता चला भाई बॉडी चार्ज भी होती है और दूसरा पता चला बॉडी अनचार्ज होती है। यानी यहां पर एक टर्म आ रहा है बार बार, चार्ज। चार्ज क्या है? तो यहां से चार्ज की डेफिनेशन निकल के आपके सामने आती है कि चार्ज इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द आइटम व्हिच एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन वी प्लेस्ड इट इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। चार्ज हमेशा एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। फील्ड क्या होगा ये भी हम आगे बताएंगे। तो जब आपने ये बॉडी चार्ज हो गई तो इसका अपना एक फील्ड बन जाता है, जब आपने इसको तोड़ा तो इसका अपना एक फील्ड बन गया। तो जब ये दोनों एक दूसरे के पास में आए तो इन दोनों ने अट्रैक्ट कर दिया, ये दोनों एक दूसरे के फील्ड में आए और दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। यानी जब इसको किसी फील्ड में रखते हैं तो इन पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। यानी चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन आइटम व्हिच एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन वी प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ओके। तो चार्ज हमारे समझ में आ गया। अब ये चार्ज कितने तरह के होते हैं? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने इसके बारे में हमें बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो तरह के चार्जेस हमारे पास में अवेलेबल हैं। वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज निगेटिव चार्ज। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज निगेटिव चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको बताया। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने पॉजिटिव और निगेटिव नाम ही क्यों रखा? क्योंकि साइंटिस्ट तो अपने नाम पे मैक्सिमम चीज़ों को डिस्कवर करते थे, बताते थे। वो बेंजामिन और फ्रैंकलिन भी रख सकते थे, एक का नाम बेंजामिन दूसरे का नाम फ्रैंकलिन। उन्होंने पॉजिटिव और निगेटिव ही क्यों रखा? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिए कि जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं। यानी इनके पास में अट्रैक्शन की या रिपल्सन की कोई प्रॉपर्टी नहीं रहती। ऐसा सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में एक जगह पर होता है। कहाँ? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जब कोई दो चीजें मिलती हैं तो वो न्यूट्रल हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं। यानी कि अगर आप प्लस फोर और माइनस फोर को लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो। दैट इज न्यूट्रल। तो मैथमेटिक्स एक आपकी ऐसी एजुकेशन सिस्टम थी जिसमें प्लस और माइनस दो चीज़ें मिलती थी तो न्यूट्रल हो जाता था। अदरवाइज आप कहीं भी जाओगे, जैसे केमिस्ट्री में चले गए, H2O दैट इज वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया, बनाया और वाटर बन गया, कोई नई चीज़ बनती थी। लेकिन मैथमेटिक्स ही आपका एक ऐसा टॉपिक था, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम था जहाँ पर दो चीज़ें मिलाने पर जीरो होती थी। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलते थे तो न्यूट्रल हो जाते थे। तो यहाँ से बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने कहा कि भैया दो तरह की चार्जेस हमारे पास में हैं और उसमें से एक चार्ज आपका पॉजिटिव होगा और दूसरा चार्ज आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि जब ये दोनों मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं। अब इन दोनों के पास में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है इसको देखा गया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने देखा कि जब इन दोनों को आप फ्रीली छोड़ देते हो, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, एक नेगेटिव चार्ज लिया और दोनों को फ्रीली छोड़ दिया, तो कभी कभी देखा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे और कभी कभी एक दूसरे को रिपल करते थे। कभी ऐसे छोड़ा तो देखा कि यू अट्रैक्ट हो गए। ये क्या है? कब अट्रैक्ट कब रिपल करते थे? तो इस पर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए और फिर बताया कि जब हम दो लाइक चार्जेस को एक दूसरे के सामने लाते हैं तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को
रिपेल करते हैं। यानी लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, और जब दो अनलाइक चार्जेस होते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अगर निगेटिव और निगेटिव होगा तो ये भी क्या होगा, रिपेल। पॉजिटिव निगेटिव होगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट। प्लस प्लस होगा तो भी क्या होगा, रिपेल। यानी कि दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि भैया कौन सी बॉडी चार्ज है कौन सी बॉडी अनचार्ज है, ये भी तो पता करना है, क्योंकि हम कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल कराएंगे। तो इसके लिए हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो हमें हेल्प करता है चार्ज के प्रेजेंस के, यानी कि चार्ज किसी बॉडी में प्रेजेंस है या नहीं है उसके लिए इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं। यानी इट हेल्प्स टू फाइंड प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ये चार्ज के प्रेजेंस के लिए हेल्प करता है कि किसी बॉडी में चार्ज है या नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है। अब ये डिवाइस है क्या, तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, एक मेटल की बॉडी ली, ये आपका मेटल। इस मेटल की बॉडी से एक एल्युमिनियम का फॉइल, एक एल्युमिनियम फॉइल इसे समझ लें आपकी सिल्वर फॉइल क्या होता है। जब आप किसी चीज़ को खरीदते हैं, मिठाई उठाई पे देखते होंगे, ऊपर उस पर एक सिल्वर फॉइल लगी होती है। जब कोई चीज़ आप खरीदने जाते हैं तो रोटी पैक करते हैं तो सिल्वर फॉइल से पैक करते हैं, इतनी पतली होती है। तो वैसे ही गोल्डन फॉइल, ये गोल्डन फॉइल, गोल्डन फॉइल लग लिया। अब ये इतनी पतली है कि अगर इसको ऐसे छोड़ देंगे तो हवा आएगी तो कॉन्टिन्यूस ये हिलती रहेगी। तो हमने इसको एक ग्लास ट्यूब में बंद कर दिया, ये आपका ग्लास ट्यूब, ये आपकी इलेक्ट्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन है। अब इसमें आप क्या करते हो, फर्स्टली को एक पॉजिटिव चार्ज लाके इससे टकरा दोगे। तो भी आप देखोगे जब पॉजिटिव चार्ज, मतलब कोई एक मेटल दूसरे मेटल से टकराता है तो ड्यू टू द कंडक्शन चार्ज आपके एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं, भी आगे पढ़ाएंगे। तो एक पॉजिटिव चार्ज की बॉडी लाके इससे टकरा दिए, हमें पता है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज इसके थ्रू होते हुए इस बॉडी में आएगा और इधर भी आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज आपका आ गया। अच्छा, अब हमें ये पता है कि ये गोल्डन फॉइल के इस तरफ और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है। अब जिसके बारे में पता करना है कि वो बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, उस बॉडी को लाके हम यहाँ पर टच करा देंगे। और अगर वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, लेट सपोज दैट बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, तो वो पॉजिटिव चार्ज इसके थ्रू हो आएंगे और यहाँ पर और पॉजिटिव आ जाएंगे। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो ये वाली जो आपकी फॉइल थी वो एक्सपेंड हो जाएगी और फॉइल आपकी कुछ ऐसी हो जाएगी ये। तो अगर फॉइल एक्सपेंड हुई तो हमने क्या कहा कि हमने कौन सी बॉडी को टच कराया है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को टच कराया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप एक निगेटिवली चार्ज बॉडी को लाए और इसे टच करा दिया तो यहां पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और जब यहां पर निगेटिव आ जाएगा तो जो एक्सटेंड हुआ था वो क्या होगा, और कंप्रेस हो जाएगा। अगर बॉडी कंप्रेस हुई तो हमने कहा पॉजिटिव यहां पहले से था, हमने यहां पर निगेटिव दे दिया, न्यूट्रल हो गए, यानी वो कंप्रेस हो गए। तो अगर ये बॉडी एक्सटेंड हो रही है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, कंप्रेस हो रही है,
दैट इज नेगेटिव चार्ज बॉडी है। और अगर इस बॉडी में कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो बॉडी कैसी है? अनचार्ज, यानी जैसा आपका गोल्डन फॉयल था वैसा का वैसा ही है, तो बॉडी हमारी कैसी है? अनचार्ज। यानी इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हमें चार्ज किसी बॉडी में प्रेजेंस है या नहीं उसके बारे में पता चलता है। एनी डाउट? ओके, तो ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रोस्कोप। इसकी हेल्प से हम चार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी, कौन सी बॉडी चार्ज है, कौन सी अनचार्ज है, किस तरह का चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, ये सारे हम इसकी हेल्प से पता करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अच्छा, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हम चार्ज बॉडी का पता करते हैं। अब अगर कोई बॉडी चार्ज है, तो आपने देखा होगा कि जब दो बॉडी को आपस में पास में लाते हैं तो एक स्पार्क क्रिएट होती है। स्पार्क क्रिएट होने का मतलब कि जैसे आपने देखा होगा बादलों में लाइटनिंग आती है, जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो वहां पर एक लाइट के साथ चट की आवाज आती है कभी कभी। ऐसा क्यों? ये स्पार्किंग क्या है? तो जब आप एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को आपस में दूसरे के सामने लाओगे, तो यहां से चार्ज निकल के इसके पास जाएगा और बहुत तेजी से जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अटैक करते हैं। तो जैसे ही पास में लाएंगे तो इन दोनों के बीच में एक चार्ज निकल के यहां से बहुत तेजी से जाएगा, और जिसकी वजह से वो एयर से टकराएगा और एयर को गर्म करेगा, जिसकी वजह से वहां पर लाइटनिंग क्रिएट होगी, यानी वहां पर स्पार्क क्रिएट होगा। यही चीज आपका बादलों में होता है, लाइटनिंग, जब खूब ढेर सारे पॉजिटिवली क्लाउड नेगेटिवली चार्ज क्लाउड से टकराते हैं तो बहुत तेजी से आपकी लाइटनिंग क्रिएट होती है, बारिश होती है उस समय, और आवाज आती है। तो कहते हैं भाई साहब वो इंद्र देवता जी तलवारों से लड़ाई कर रहे हैं, या फिर भगवान जी रुष्ट हो गए हैं तो रोने लगे हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जब पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड नेगेटिवली चार्ज क्लाउड से टकराएंगे ढेर सारे, तो बहुत तेजी से आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा और लाइट के साथ साथ आपकी साउंड आएगी। तो वो जो दो चार्ज आपस में टकराते हैं तो जो लाइट और जो चार्ज आता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। यहां तक कोई डाउट? ओके, तो स्पार्क जब आप स्विच को ऑन करते हैं वहां पर भी एक चार्ज निकल के इस तरफ जाता है, एक चार्ज निकल के इस तरफ जाता है, जो भी आपका प्रोसेस होगा अभी आगे बताएंगे, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। यानी जब दो अनलाइक चार्ज बॉडी को एक दूसरे के पास लाते हैं तो दोनों एक दूसरे को डिस्चार्ज करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। आपने देखा होगा ठंडियों में, अभी ठंडी का सीजन चल रहा है, आप अपनी बॉडी से गर्म स्वेटर यानी गर्म कपड़े निकालो तो चट चट की आवाज आती है। हमने बताया जब आप अभी अपनी बॉडी पर कपड़े पहनते हैं तो बॉडी और कपड़ों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो जब आप बॉडी को निकालोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। भाई एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था, अब आप निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें से इस कपड़े में आ जाएंगे, तो एक चट की आवाज यानी कि एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से वहां पर आपको थोड़ी सी स्पार्किंग दिखाई देती है उलन कपड़े को जब निकालते हो। तो यह तो था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कितने तरह के चार्जेस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि ये जो चार्ज हैं, हमने बताया कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, कितना इस फोर्स का वैल्यू होगा, ये हम अपना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज, अगर आपको कुछ समझ में आया हो या फिर लगा हो कि हाँ थोड़ी बहुत अच्छी नॉलेज है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।